और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी जानकारी का, घोसी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। घोसी उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार होगा बंद। बीजेपी सपा के दिग्गज प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे रैली, गोपागंज से शुरू होगा बीजेपी का विशाल रोड शो। तो आज प्रचार का अंतिम दिन है, कल मतदान होना है उपचुनाव के लिए। घोसी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर इस चुनाव के दौरान देखी जा रही है। खासतौर पर ये लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है 2024 के आम चुनाव से पहले, क्योंकि इस बार जो है पूरी ताकत झोंक दी है विपक्षी दल ने भी, क्योंकि बड़ी बात इसलिए हो जाती है इस बार इंडिया के जितने घटक दल हैं उन सभी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है और मुकाबले में अपना कोई उम्मीदवार उनकी तरफ से नहीं उतारा गया है। तो दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी जो हैं वो भी पूरे जोर शोर के साथ ताल ठोक रहे हैं। तो कोपागंज से शुरू होगा बीजेपी का विशाल रोड शो, घोसी उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, और आज अंतिम दिन जो है धुआंधार प्रचार किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से विशाल रोड शो की तैयारी की गई है, कोपागंज से ये विशाल रोड शो शुरू होगा। बीजेपी सपा के जो दिग्गज नेता हैं वो आज जनता के बीच पहुंचेंगे चुनाव प्रचार के माध्यम से, क्योंकि आज अंतिम दिन है, कल उपचुनाव के लिए मतदान होना है और 8 सितंबर को नतीजे घोषित होंगे। तो गोपागंज से बीजेपी का विशाल रोड शो आज होने वाला है और दोनों ही पार्टियों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है, जीत का दम भर रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात रहेगी कि इस बार चुनाव में कौन जीत दर्ज करता है, क्योंकि जो उम्मीदवार उतारे गए हैं सपा और बीजेपी की ओर से दोनों ही उम्मीदवार काफी दमदार हैं। तो घोसी उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों की ओर से, दलों की ओर से न सिर्फ जीत का दावा किया जा रहा है बल्कि एक दूसरे के ऊपर जनसभाओं के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। तो ये उपचुनाव कई मायनों में खास होने वाला है 2024 के आम चुनाव से पहले जो है लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और यहां चुनावी जीत ये साबित कर देगी कि जनता को जो है एनडीए पर भरोसा कितना है या फिर इंडिया पर कितना भरोसा है। हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, पूरी ताकत आज झोंकने वाली है दोनों ही पार्टियां। हालांकि उम्मीदवार तो 10 उतरे हैं लेकिन दो उम्मीदवार जो है वो काफी दमदार आमने सामने कांटे की टक्कर दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवार। जरा बताएं कि दोनों ही पार्टियों की ओर से आज किस तरह के प्रचार की तैयारी की गई है, कौन कौन आज अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंच रहा है। देखिए, आज तो घोसी उपचुनाव का प्रचार का शोर है, 5 बजे थम जाएगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से घोसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में वोट की अपील की गई थी। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अपनी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में तमाम तरीके की अपीलें की थी। शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा है और संगठन के लिहाज से काफी महारथी माने जाते हैं, वो वहां पर घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की ओर से डेरा जमाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक आज रोड शो निकाला जाएगा, लेकिन घोसी की सियासत आज राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिली कायनात, जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर चुनाव में माहौल खराब करने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की शिकायत निर्वाचन आयोग से की जाएगी। तो सत्ता में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा एक सख्त प्रशासक के तौर पर मुख्यमंत्री मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी एक बाइट देकर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वहां पर माहौल खराब करना चाहती है, समाजवादी पार्टी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम तरीके की अफवाहें फैला रही है, ये कहना था आज मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। तो निश्चित तौर पर आज दोनों पार्टियों के लिए बड़ा दिन है और आखिरी प्रचार का दिन है, तो निश्चित तौर पर जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी हैं, वहां पर कांग्रेस ने समर्थन किया है सुधाकर सिंह का, निश्चित तौर पर 2024 का लिटमस टेस्ट होगा कायनात। लेकिन
अब इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में विपक्ष की क्या स्थिति है, ये भी टेम्परेचर नापने का काम करेगा सियासी रूप से। बिल्कुल, सभी यहाँ पर अलग अलग नजरिए से इस चुनाव को देख रहे हैं, कहाँ पर किसका पलड़ा कितना भारी रहने वाला है, ये बहुत अहम बात इस बार के इस उपचुनाव में होने वाली है। बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए एसएन सिंह जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसएन सिंह जी, एसएन जी आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, कल यहां पर जनता अपना फैसला जो है वो सुना देगी, मतदान होना है, लेकिन आज आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है माहौल, क्योंकि पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंग गया है और जो सपा है उसका हौसला जो है वो भी सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है। देखिए कान्हा जी, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और ये बने रहने कि आप जनता के बीच में जाएं, जनता से अपील करें, जनता को जनार्दन माने। जैसे भारतीय जनता पार्टी में आप देखे होंगे छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, स्वयं मुख्यमंत्री जी जाते हैं और जनता को अपना बनाने की बात कहते हैं, जनता से अपील करते हैं, जनता से विकास की योजनाओं के बारे में बताते हैं कि हमारी सरकार ने जनता के लिए क्या किया, हम सर्व समाज के लिए क्या किए, हम दलित के लिए क्या किए, मुस्लिम के लिए क्या किए, इसके नाते हमारे विकास की योजनाओं पे हम पे भरोसा रख के भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। और हम कहते नहीं, हमने बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसी बुनियादी ढांचे में विकास करके जनता के बीच में 2017 से है और जनता बार बार अपना आशीर्वाद दे रही है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे पार्टी के लोग हैं जो जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता है, हिंदू को तो मानना ही नहीं चाहिए। फिर कोई जाता है तो कहते हैं कि मुसलमानों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। अरे भैया, लेकिन एसएनजी यहाँ पर बात तो विकास की होनी चाहिए ना, आप बात विकास की कीजिए, आप इन तमाम बयानों को क्यों देख रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बार जो है जो उम्मीदवार आपने मैदान में उतारे हैं दारा सिंह चौहान, क्या उनकी वजह से चुनाव जीतना भी एक बड़ी चुनौती होने वाला है बीजेपी के लिए? नहीं देखिए, ये जनता जो मत करती है ये क्या है, ये उपचुनाव है, ये विकास का चुनाव है। जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगा था कि पता नहीं बीजेपी की सरकार रहेगी या सपा की सरकार आ जाएगी, तो ऐसा एक था। लेकिन अस्पष्टता से सब लोग जान रहे हैं कि एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह सरकार उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं, तो घोसी की जनता उस विकास के साथ रहेगी। आज विकास की चाबी किसके पास है, जो सरकार में होता है उसके पास है, तो वो लोग इस नाते भी कहेंगे कि भाई हम विकास के साथ जाएंगे। और विश्वास भी जनता कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई क्षेत्र, धर्म, वर्ण, वर्ग देखकर कार्य नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य किया वो विकास के कार्य किए। तो बार बार आप देखे होंगे कि हमारे चाहे डिप्टी सीएम साहब हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, एसएनजी वो सभी आप विकास, विकास की कर रहे हैं, लेकिन जो उम्मीदवार है मैं उनकी बात यहाँ पर करना चाह रही हूँ, क्योंकि दल बदल की राजनीति करने का उन पर जो आरोप है वो कई बार लगता आया है, क्योंकि कोई एक या दो दल नहीं बदले हैं, कई दल बदल के वो यहाँ पर आ चुके हैं। और 15 महीने पहले समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था, बीजेपी से ही निकल के वापस बीजेपी का रुख कर लिया। ये देखिए, दारा सिंह जी जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं तब भी वहां से चुनाव जीतते हैं, ये मानना होगा कि दारा सिंह एक जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में रहते हैं, धरातल के नेता है। और एक बड़ा अखबार, जब दारा सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो एक बड़ा अखबार वहां पे लोकल में 4 कॉलम की एक खबर छापता है, जिसमें वो कहता है 2022 के चुनाव जीतने के बाद कि ये दारा सिंह ने चुनाव जीता, समाजवादी पार्टी ने नहीं जीता, क्योंकि दारा सिंह जी का कद, पद, दारा सिंह जी इस तरह से लोगों के मन में रचे बसे हैं कि दारा सिंह ने चुनाव जीता। मैं नहीं, उस समय के बड़े अखबार ने 4 कॉलम की एक खबर छापी। निश्चित तौर पर दारा सिंह बार बार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं, तो जनता ने भुवन जी आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? एसएन जी कह रहे हैं कि जन लोकप्रिय नेता हैं, जनता द्वारा उनको बार बार अपनाया गया है, इस बार भी जीत उन्हीं की होने वाली है। देखिए कायनाथ जी, जो ये जो चुनाव उपचुनाव हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण साफ साफ दिखाई देता है कि माननीय दारा सिंह चौहान जी ने ये सीट को इसलिए खाली करना पड़ा क्योंकि उनको मंत्री बनना था। वो भूल गए कि घोसी की जनता मंत्री बनाना भी जानती है और संतरी बनाना भी जानती है।
मैं कहना चाहता हूं कि क्या समाजवादी पार्टी ने उनको विधानसभा में भेज के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां के जनता जो उनको अपना समर्थन देने का काम करा ये उनके साथ ठगी नहीं है। चलिए ठीक है, तो इस बार फिर देखना होगा कि घोसी की जनता जो है किसे अपना आदेश देती है, किसे मंत्री या किसे संतरी बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ ऐसे बातचीत में जुड़ने के लिए।